अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 74, इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे थे। तो एक्सरसाइज में अगला सवाल है, जुमलों में हस्बे ज़ैल तस्वीरों के लिए मुनासिब सिफात लाइए। सिफात कलम ने पढ़ा था ना, सिफत यानी जो किसी की क्वालिटी को बयान करे किसी भी इसम की। तो अब बनाने क्या हैं, ये सेंटेंस बनाने हैं, ठीक। तो उसके बनाने का आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपने ये देखा ना, ये पिक्चर किस चीज़ की है, किताब, किताबुन, ठीक है। अब जुमला बनाने के लिए ना हम इसके साथ लगा लेते हैं इसम इशारा कोई भी। तो किताबुन मुज़क्कर है ना, तो इसम इशारा आएगा हाजा या ज़ालिका, ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका किताबुन। अब ये 150 की है, ठीक है, और आगे भी बुक है ना, ये 10 की है। तो मीन कि ये महंगी है, पीछे आपने वर्ड पढ़ा है उसके लिए, कीमती या एक्सपेंसिव के लिए। समीनुन, ज़ालिका किताबुन समीनुन, ये देखें, ज़ालिका किताबुन समीनुन, वो एक कीमती किताब है, ठीक। या हाजा किताबुन समीनुन, कोई भी लगा ले। उसके बाद अगला है, ये इसके साथ 10 रुपीस लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा कि हाजा किताबुन, अब सस्ती के लिए इसम है हमारे पास, कलिमा है रखीसुन, रखीसुन, हाजा किताबुन रखीसुन, रा खा या और स्वाद, ये एक सस्ती किताब है। उसके बाद है जी सय्यारतुन। अब सय्यारा क्योंकि मुअन्नस है तो इसके साथ हाजी आएगा, या तिलका, हाजी ही या तिलका, सय्यारतुन। अब सय्यारतुन के साथ कोई भी सिफ्त लगा लें, जदीदतुन लगा लें, सरीयतुन लगा, जदीदतुन का मतलब होता है नई, सरीयतुन का मतलब होता है तेज़ रफ्तार, ये कर लें, हाजी ही सय्यारतुन सरीयतुन, ये एक तेज़ रफ्तार गाड़ी है। उसके बाद है यहाँ पे, ये शजरतुन है दरख्त, तो शजरतुन मुअन्नस होता है ना, हाजी ही शजरतुन, ये बड़ा है, कबीरतुन, हाजी ही शजरतुन कबीरतुन, हाजी ही या तिलका कुछ भी लगा लें, मुअन्नस लगाना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगला जो है ना, ये छोटा है दरख्त, हाजी ही या तिलका, तिलका शजरतुन सगीरतुन, वो कबीरा और ये सगीरा, हाजी शजरतुन सगीरतुन, हाजी शजरतुन सगीरतुन। फिर उसके बाद ये दरख्त है ना, ये टॉल्स है, ये लंबा है, तिल का वो शजरतुन दरख्त है लंबा। अब लंबे के लिए क्या आएगा, तवील, तो मुअन्नस तवील का क्या होता है, तवीलतुन, तिल का शजरतुन तवीलतुन। फिर आ गया ये बिंतुन, लड़की है ना, हाजी ही बिंतुन, अब ये पढ़ रही है तो मीन मेहनत करने वाली है, हाजी ही बिंतुन मुजतहिदतुन, मुजतहिदा का मतलब होता है मेहनती, ये एक मेहनत करने वाली लड़की है, हार्ड वर्किंग लड़की है, मेहनती लड़की है, हाजी ही बिंतुन मुजतहिदतुन। उसके बाद है ये आदमी है, हाजा रजुलुन, हाजा रजुलुन, ऐसे सुबह से बनता है तो इसके साथ क्या लिखना चाहिए, सोलेहुन, हाजा रजुलुन सोलेहुन, ज़ालिका रजुलुन सोलेहुन, हाजा लगाएं या ज़ालिका कुछ भी। अब आखिरी है, ये पिक्चर है, पिक्चर के लिए हमारे पास कलिमा है सूरतुन, हाजी ही सूरतुन जमीलतुन, ये खूबसूरत तस्वीर है, या हाजी ही सूरतुन हसनतुन, ये पहले नज़र नहीं आ रहा था, ये देखिए, हाजी ही बिंतुन मुजतहिदतुन, मुजतहिदतुन, ज़ालिका रजुलुन सोलेहुन। अच्छा, ये आपने कर लिया। अब इसमें कल हमने शिफ्ट पढ़ा था ना, तो आज शिफ्ट के इस्तेमाल के हिसाब से इन्होंने ये वाला एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराया है। तो अब मैं आप लोगों को एक देती हूँ असाइनमेंट। ये असाइनमेंट में, ये असाइनमेंट जो है इसके 10 इसमें जुमले हैं, तो इनको पहले आपने पेज पे करके मुझे दिखाना है, चेक करवाना है, और फिर उसके बाद नीट नोटबुक पे करना है। पहला है, ये भी उसी तरह से करनी है जैसे ये आपने किया है, ये लड़का लंबा है,
वो एक खूबसूरत लड़की है। ये लड़का लंबा है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आपने लिखना है कि ये एक लंबा लड़का है, ये एक लंबा लड़का है, और ये लड़का लंबा है, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। वो फिर अब ये समझ लेंगे ना, फिर वो बताऊंगी। वो एक खूबसूरत लड़की है, वो मेरी किताब है, वो तुम्हारी दीवार है, ये एक दरख्त है। अब सबसे पहले आपने जो मेन इसम है ना, वो लिखना है। जैसे दीवार है ना, ये आपने क्या लिखना है, जिदारुन, और वो के लिए क्या होगा। अब जिदार मुज़क्कर है ना, तो ज़ालिका जिदारुन, तुम्हारी ज़ालिका जिदारों का, ऐसे करके करना है। अच्छा, ये एक घड़ी है, वो तुम्हारा पंखा है, क्या वो तुम्हारा कलम है, क्या वो तुम्हारा कलम है ? आदमी छत के नीचे है, आदमी छत के नीचे है, तुम्हारी गाड़ी तेज है, तुम्हारी गाड़ी तेज है। अब आप देख लें कि जिसके साथ तुम्हारा, हमारा, मेरा, ये जो मेरी है ना चीज़ या तुम्हारी है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ आएगा, तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारी के लिए वर्ड आपको पता है क्या होता है, हर्फ, तो ये गाड़ी का भी पता है, सयारतुन, और तुम्हारी सयारतों का या की। ठीक हो गया, तो ये 10 जुमले करके इनको पेज पे पहले मुझे चेक करवाएं, और उसके बाद नीट नोटबुक पे करना है, और फिर उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा था ये एक लंबा लड़का है और ये लड़का लंबा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ना, दोनों अलग अलग हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये है, ये आपने लिखा था, ज़ालिका किताबुन समीनुन, वो एक कीमती किताब है, यानी कीमती पहले किताब बाप, वो एक कीमती किताब है। ये शायद आपको याद हो कि मैंने कहा था, जब किसी भी कलमे के साथ अलिफ लाम लग जाता है तो उसकी ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन में एक नहीं लिखते, लेकिन जब अलिफ लाम नहीं होता तो फिर ट्रांसलेशन में एक लिखा जाता है। जैसे ज़ालिका किताबुन समीनुन, वो एक कीमती किताब है। अब अगर यहाँ पे अलिफ लाम होता तो फिर एक कीमती ना होता, कीमती किताब है। ठीक, अब जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ये अगर दोनों के साथ अलिफ लाम होता ना, ज़ालिकल किताबुल किताबुस समीनो, वो कीमती किताब है। और अगर ऐसे हो कि एक के साथ अलिफ लाम, ठीक है, तो फिर इसके साथ ना हो, तो इसके साथ अलिफ लाम हो तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ज़ालिकल किताबो, ज़ालिकल किताबो, सूरह बकरा में पढ़ते हैं ना, वो किताब कीमती है। ठीक, वो किताब कीमती है। अब दोनों में फ़र्क है ना, कि वो एक कीमती किताब है और वो किताब कीमती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये देखें, हाज़ा किताबुन रखीसुन, ये एक सस्ती किताब है। अब अगर आपने ये करना हो कि ये किताब सस्ती है, तो किताब और ये को आपस में जोड़ देंगे, हाज़ल किताबो रखीसुन। फिर है, ये एक तेज़ रफ्तार गाड़ी है, हाज़ी सयारतुन सरीयतुन। अब अगर ये करना हो कि ये गाड़ी तेज़ है, तो ये गाड़ी के साथ, ये के साथ गाड़ी को जोड़ देंगे, हाज़ी सयारतुन सरीयतुन, हाज़ी सयारतुन सरीयतुन। फिर है, तिलका शजरतुन कबीरतुन, और तिलका शजरतुन कबीरतुन। इसको, ये वाला जो अभी मैंने बताया, इसको समझना है, और ये वाली दोनों, ये भी करना है और ये वाली असाइनमेंट करके मुझे दिखानी है, उसके बाद फिर मैं इसको इसका दूसरा तरीका आप लोगों को सिखाऊंगी। थैंक यू।